नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप सभी का हमारी खास पेशकश गुरुमंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में घूम रहे ग्रह आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इन ग्रहों का आपके जीवन में बहुत ही विशेष महत्व होता है? आज हम ऐसे ही एक ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं गुरु यानी बृहस्पति ग्रह के बारे में। वैसे माना जाता है आमतौर पर कि ये ज्ञान का और धन का प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे और क्या रहस्य है? मुझे लगता है गुरुदेव से बेहतर भला और ये हमें कौन बता सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसके अलावा और कौन से अन्य विषय होंगे। गुरु ग्रह का आपकी जिंदगी पर क्या पड़ता है असर? आपको तरक्की कैसे दिलाता है गुरु ग्रह? कुंडली में गुरु के लक्षणों को ठीक करने के उपाय जानेंगे। आपकी जिंदगी पर असर डालने वाले गुरु को पहचानिए। शो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं या फिर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें अपने प्रश्न मेल करें और इसके जरिए आपको हमारे कार्यक्रम गुरु मंत्र से जुड़ने का भी मौका मिल सकता है। और यदि आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो परेशान मत होइए, उसके लिए गुरुदेव के संस्थान जाइए और निशुल्क यानी कि बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जानिए। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, हमारे जो दर्शक हैं वो तो एस्ट्रोलॉजी नहीं समझते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आम भाषा में आपसे बेहतर भला हमारे दर्शकों को और कौन समझा सकता है। तो आज हम गुरु ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं आपसे कि आखिरकार इस ग्रह का हमारे जीवन से क्या कनेक्शन होता है। बेटा, आज जिस ग्रह की हम बात करने लगे हैं, आप समझ लीजिए कि यही जीवन है। यही एक वो ग्रह है जो इंसान को बेवकूफ भी बनाता है, जो इंसान को समझदार भी बनाता है, जो एक इंसान को अफसर भी बनाता है और दूसरे को स्मगलर भी बनाता है, तीसरे को इतना कंजूस बनाता है कि इंसान के घर पे करोड़ों की दौलत पड़ी हुई हो तो उसके बावजूद जाकर के वो 20 रुपए के लिए किसी की जान पी सकता है। और यही ग्रह वो ग्रह है कि जो बेफालतू का लुटा करके अपनी सारी पूंजी लुटा करके अपने आप को राजा समझ है, समझिए। यही वो ग्रह है जो कर्जे चढ़वाता है और यही वो ग्रह है जो कर्जे उतरवाता है। यानी कि हमारी जिंदगी की जितनी धुरी है यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म होती है। बेटा, बचपन, जवानी, मध्यावस्था, बुढ़ापा, ये तो सबके ऊपर ही आना है, लेकिन यही वो ग्रह है जो जन्म से लेकर मरण तक अपने साथ ही रहता है। और इस ग्रह को सही मायने में देखे बिना आप किसी के भी प्रोफेशन का कोई ना अंदाजा लगा सकते हो, ना किसी को कमिट कर सकते हो कि हां तू ये करेगा और इससे तेरे को लाभ होगा। जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति, उसकी स्थिति देखना, उसका जीवन के अंदर पक्का समय कब कब आने वाला है इसको देखना, ये बेइंतहा जरूरी है। इसके लिए गुण तो आप सारे जानते ही होंगे क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से भी सुना है, मेरे से भी आपने बहुत बार सुना हुआ है कि बृहस्पति जिसके अच्छे हो उसको दादा दादी का सुख बहुत मिलता है, उनकी तरफ से गिफ्ट मिलता है, उसका ज्ञान बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, घर में सुख शांति रहती है, पैसा बचता है, जिस भी चीज में काम करते हो उसमें नुकसान नहीं होते, और अगर गुरुओं के पांव हाथ लगाए जाए, बड़ों के पांव हाथ लगाए जाए, समझिए पंडितों के पांव लगाए जाए तो इसका बहुत सुफल मिलता है। ये सारी बातें आप जानते हैं, इसके उपाय भी जानते हैं कि हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं,
सोने की चेन गले के अंदर धारण करें, समझिए, ये सब भी आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि बृहस्पति जिसका अच्छा हो उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, ये भी बात जानते हो। लेकिन आज आपको मैं वो सारे पहलू बताऊंगा बृहस्पति देव के जो आप नहीं जानते, क्योंकि बृहस्पति अच्छा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये बुरा है तो बहुत ही बुरा है। और बृहस्पति के अच्छे गुण तो अभी भी मैंने आपको गिनाए, इससे पहले भी आपने डिटेल में सब कुछ सुना हुआ मेरे पास से, लेकिन आपको ये बता दूं कि बृहस्पति और शनि ये दोनों एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा बुध की चाल से चलते हैं। अगर बुध अच्छा तो ये दोनों अच्छे, और अगर बुध बुरा तो शनि और बृहस्पति दोनों ही बुरे, समझिए। लेकिन अब ये तो हो गया एक हिस्सा, लेकिन ऊपर से ये शनि और बृहस्पति ये दोनों बराबर के ग्रह हैं। इसका मैं आपको लॉजिक भी दे दूं। आपने चने का दाना देखा है, चने का दाना उसके ऊपर काले रंग का छिलका होता है जो कि शनि माना जाता है, बुध विशेष। लेकिन जब वो छिलका उतारते हैं तो अंदर से पीली चने की दाल निकलती है, समझिए। शनि ग्रह को देखो बहुत ठंडा है, बर्फ की तरह ठंडा, बाहर पहाड़ों के ऊपर जमी हुई जो बर्फ है वो भी शनि ही है, समझिए। और लेकिन वो बर्फ और वो जमी हुई ऑक्सीजन कब बनती है, जब हवा चलती है, जब हवा जमती है ठंडी अपन पे आके, ये चीज। और शनि और बृहस्पति इसलिए दोनों बराबर ही माने जाते हैं कि दोनों बराबर की ताकत लिए और एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। अब आगे चलिए, जब ये कहीं उल्टे सीन में जाता है, अभी तो क्या होता है पहले हवा चलती है वो पहले गर्म होती है, बाद में शनि के संपर्क में आते आते ठंडी होती है, ठंडी होती है तो बर्फ भी जमती है, समझिए। और जमी हुई ऑक्सीजन जितनी भी होती है उसको बाद में हम बोल देते हैं कि ये शनि है, कंप्लीट है, ओके। लेकिन अगर कहीं उल्टा हो जाए कि पहाड़ ही हवा का रास्ता ऐसा रोक दे कि जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, तो बेटा वो तो दम घोटू हो जाती है। इसी प्रकार से जन्म कुंडली के अंदर योग होते हैं कि जब भी किसी खराब शनि की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ जाए, इंसान को कोई बात नहीं समझ आती है। इंसान को ज्ञान करवाने लगो, पढ़ाने लगो, उसको ज्ञान नहीं मिलता। इंसान को कॉमन सेंस की बात भी नहीं समझ आती, और जो आप काम करवाना चाहते हो उससे आप उसे इंसान समझ के, समझा समझ के दो बातें बोल के भेज देते हो, लेकिन वो फेल होकर वापस आता है। फिर इसके बाद में गृहस्थी के अंदर जो छोटी छोटी बातें समझनी चाहिए, जिन बातों को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, उन्हीं बातों के ऊपर ऐसे इंसान का रोज कलेश होता है। और ऐसा इंसान जब भी काम करने निकलता उसे अपने फायदे और नुकसान का पता ही नहीं चलता। वो तो सिर्फ एक, जैसे वो कहते हैं ना, लकीर का फकीर, जो समझ आया बस उतना करने निकल पड़ा, इधर उधर की सोच विचार कुछ नहीं लगाई, कोई चुस्ती चलाकी नहीं लगाई, डिप्लोमेसी नहीं लगाई, जिसके कारण हर काम की सक्सेस भी नहीं वो कर पाता। तो ऐसे लोग करके पाते हैं फिर एक सिंपल सिंपल काम कि अगर सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लाई करते रहेंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ही करते रहेंगे, अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी ही करते रहेंगे, बस इस काबिल पर चाहते हैं। और दूसरे लोग साफ तौर पर बताते हैं कि नहीं यार, इसमें अकल नहीं है भाई, ये अपना ही काम जितना जानता है उतना ही कर सकता है, इससे फालतू नहीं कर सकता, समझिए। ये अगर खराब शनि की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ती है तो इस तरह के हालात बनते हैं। बृहस्पति सिर्फ इतना ही नहीं करते, बृहस्पति अगर शनि के घरों में, शनि की दृष्टि में खराब होकर के बैठ जाए, तो हम तो कहते हैं आपको गुरुओं की पूजा करो, अगर बृहस्पति को अच्छा करना, बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगाओ, समझिए, सात्विकता में रहो, संस्कारों में रहो। लेकिन जब ये शनि का संबंध करते हैं ये संस्कारी रहते ही नहीं, उल्टा इंसान जितना संस्कारों में जाता है उतना ही डूबता है। ऐसे लोग तो जितने उल्टे सीधे काम करते हैं, छुप छुप के काम करते हैं, किसी की नजर में ना आ जाए, बेटा वो उनके अंदर तक ही पाते हैं, सीधे कामों के अंदर तो तक ही नहीं पाते। फिर आप आम लोग बोलते हैं ना कि देखो हम तो सीधे साफ सिंपल बनकर के काम भी करते हैं, हम इतनी मेहनत भी करते हैं, उसके बावजूद परमात्मा हमारी नहीं सुनता, वो देखो वो आदमी तो बहुत ही खराब है, समझिए, बहुत लुच्चा है, और ये इस तरह के बुरे काम करता है फिर भी परमात्मा उसको कितना दे रहा है। बेटा इसमें दोष देने से कुछ भी नहीं होगा, उसका खराब बृहस्पति होगा, और वो खराब बृहस्पति उसको खराब कामों के अंदर, खराब सोच के अंदर, खराब व्यवहार के अंदर ही बढ़ाता चला जा रहा है, ये सत्य बात है, समझिए। और यही वो बृहस्पति है जो इंसान को कर्जों में डुबो देता है। बृहस्पति और शुक्र का मेल, इसे बोलते हैं रेत का पहाड़, बूर के लड्डू,
समझिए। अब ये जब आपस में मिलते हैं, इंसान की इज्जत होती है, चलते काम नजर आते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बेटा इंसान के पास जमा पूंजी के नाम पे कुछ भी नहीं होता, वो इतना की समृद्ध होता है कि किसी को देना पड़ जाए तो उसकी जान निकल जाती है। और बृहस्पति जब बुध और शुक्र के घर में आ जाए, कहां तक की खराबियां देता है बेटा। यहां पर बीवी बच्चे भी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और बीवी भी अपनी पूछती नहीं है, क्योंकि सारी जिंदगी इंसान ने सिर्फ अपने धर्म को, अपने अध्यात्म को साथ के साथ चलाया, अपने फर्ज निभाए, हर बार काम चलाने की कोशिश करी, उसके लिए कर्जे पे कर्जे उठाता रहा, लेकिन उसकी बेश नहीं चली और हार के अपने ही यानी कि बीवी बच्चे तक भी कहते हमारे लिए किया क्या, तुम्हें तो अकल ही नहीं थी, तुमने तो कुछ करके नहीं दिखाया अपनी लाइफ में। बेटा इतनी गंदी जिंदगी के मालिक बना देता है। इसीलिए बृहस्पति या तो परमात्मा ही जन्म कुंडली के अंदर शुभ दे, नहीं तो अगर बृहस्पति के इलाज नहीं करके चले तो बेटा परमात्मा भी नहीं सुनेगा। और इसकी एक करनी ऐसी है, इसकी जो इंस्ट्रक्शन हो अगर वो फॉलो नहीं की गई, इसके उपाय फॉलो नहीं किए गए, और अगर इसको सही ढंग से नहीं समझा और इसको लेकर के नहीं चले, तो दुनिया को देख करके उनको दोष दोगे, अपनों को देख के उसको दोष दोगे, भगवान को देख के उसको भी दोष दे दोगे, लेकिन इनसे लाभ क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा और मामले खराब रहेंगे। और बृहस्पति जब बहुत ज्यादा खराब से, शनि के साथ मिलकर नहीं होता ये, मंगल खराब के साथ मिलकर के भी अगर कहेंगे खराब हो गया, तो तुमने वो समझदार लोग देखे होंगे कि जो जिंदगी में जो काम करते हैं वही काम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाला होता है। जिसको भी वो नसीहत देने का काम करते हैं उसमें ज्ञान की इतनी रत्ती भर बूंद भी नहीं होती, और जो लोगों को आगे बढ़ के समझा के चलाना चाहते हैं तो लोग उनसे पीछा छोड़ा छोड़ा के भागते हैं, कहते हैं इस पागल को बोलना तो आता नहीं, इसको ये तो पता नहीं कि करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये हमें नसीहत देता फिर रहा है। बेटा ये वाले हालात भी बृहस्पति ही पैदा करते हैं। जितने भी बड़े रोग हैं, चाहे वो फेफड़ों से संबंधित, स्वेलिंग से संबंधित, किडनी लीवर से संबंधित, जो भी असाध्य बीमारी हो गई, समझिए वो बृहस्पति के खराब हुए बिना वो बीमारी हो ही नहीं सकती। क्योंकि बृहस्पति का एक सिंपल सिंपल सा काम है, चलो ज्ञान तो देता है, एक बात अलग है, जिसके अंदर नथनों से ऑक्सीजन ज्यादा जा रही है उसका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, याद भी ज्यादा रखेगा। लेकिन जिसको बृहस्पति की कमजोरी हो और श्वास ही सिर्फ ये छाती तक लेता हो, बेटा उसको याददाश्त में भी दिक्कत, व्यवहार में भी दिक्कत, ज्ञान में भी दिक्कत, और रोग कभी भी पनप सकते हैं। तो इसीलिए बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के अंदर जैसा भी बैठा हो, जैसा भी, लेकिन एक जिंदगी का नियम आज के बाद आप बना लीजिए, और खास तौर पे अपने लिए तो बनाएं ही, अपने बच्चों को ये चीज जरूर बताएं जो मैं आज बताने जा रहा हूं। क्योंकि दुनिया के अंदर जितना भी ज्यादा मोटापा छाया हुआ है वो कम श्वास लेने की वजह से छाया हुआ है। लोगों को भूलने की जो बीमारी रहती है, याद रखने की क्षमता नहीं रहती और ज्ञान पल्ले नहीं पड़ता, वो भी बृहस्पति की कमजोरी की वजह से है, समझे। और बच्चों के अंदर जो सहन शक्ति की कमी, वो भी बृहस्पति की वजह से, उसकी खराबी की वजह से। तो इसको ठीक करने का मैं पहले हमेशा ही उपाय बताता आया हूं कि गले के अंदर सोने की चेन, पीला धागा, केसर का तिलक, रुद्राक्ष का पानी, ये पियो, ठीक है। लेकिन ये बेटा एक तरह की नई खोज जो कि बहुत ही गहराई के शब्दों से निकाली गई है और बहुत बार आजमाया गया और वाकई में रिजल्ट बड़े औसत है, और वो क्या है, रोज सुबह कम से कम 108 बार, 101 बार लंबा श्वास लेना है इस तरह से, यानी कि जो आप अपनी नाक से श्वास ले रहे हैं वो आपकी पेट की गहराई तक जाए। और जितने भी रोगी लोग हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं, एक के बाद एक मुसीबत आती है, बेटा ये लंबे लंबे श्वास अगर रोगी इंसान दिन में 2-3 बार भी ले लेना तो उसके आधे से ज्यादा रोग वैसे ही समाप्त हो जाए, अजमा के देखना चाहिए। और बृहस्पति मैंने आपको बताया, इसके एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि शनि धन भाव के अंदर ठीक ठाक होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, बुद्धि भी देते हैं, 11वें घर के अंदर बृहस्पति खराब होते हैं,
वहां पर इंसान को बुद्धि नहीं देते, कहते राहु खराब हो जाता है, राहु खत्म हो जाता है। राहु के खत्म होने से होता क्या है, इंसान सीधी बुद्धि का हो जाता है, उसके अंदर चलाकी नहीं होती और वो दूर तक की प्लानिंग बनाकर इंस्टेंट जवाब देना और दूसरे घर में शनि बैठे हुए बृहस्पति के ऊपर कहीं दृष्टि डाल दें क्योंकि दसवीं दृष्टि वहां पे जाती है, तो इंसान किसी काम के काबिल नहीं रहता, कोई काम नहीं ढंग से कर पाता, ना वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर पाएगा, ना खेल कूद में अच्छा कर पाएगा, ना दुनियादारी के काम में अच्छा पाएगा, ना रिश्तों में अच्छा कर पाएगा, ना गृहस्थी में अच्छा कर पाएगा। अपने बच्चों को भी ढंग से चलाना उसके बस की बात नहीं है। इसीलिए जब भी कभी बृहस्पति के उपाय किए जाते हैं और जिसका भी बृहस्पति खराब हो, बृहस्पति खराब की सीधी सीधी पहचान है ज्ञान ना आना पहले, उसके बाद में किसी काम के अंदर कामयाबी ना होना, घर पे पैसा ना जमा होना, घर का सोना चोरी होना, गुम होना या बिक जाना, यह सब बृहस्पति की खराबी है, समझिए। और यहां से संस्कारों को छोड़ते चले जाना और संस्कार से भटक जाना, ठीक है, भगवान को ना मानना, गुरुओं को ना मानना, अगर कोई ज्ञान की बात बता भी रहा है तो अपनी ईगो सामने रखना, समझे, ये सब बृहस्पति की खराबियां बेटा, समझे। और जितने ये मैंने रोग बताए हैं वो तो बृहस्पति के हैं ही, श्वास का रोग भी सबसे बड़ा, ये भी बृहस्पति का दिया हुआ है, स्वेलिंग का, फेफड़ों में पानी भरना, लंग्स की प्रॉब्लम में आना, ये सारी की चीज है। यहां पर जब भी कभी करना हो तो आप अकेला बृहस्पति का उपाय करके कभी भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि बृहस्पति निकलता ही शनि में से है, ठीक है, और शनि की खराब अवस्था अगर होगी तो बृहस्पति खराब होगा और बृहस्पति की खराब अवस्था होगी तो शनि खराब होगा, समझे, ये भी चीज है, और इन दोनों की खराब अवस्था का कारण बुध भी बनता है। तो अब इसमें मैं दो तीन सिचुएशन बताता हूं। अगर तो इंसान पढ़ लिख रहा है लेकिन बस नहीं चल रहा, और पढ़ लिख रहा है लेकिन पढ़ाई में कामयाब लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, तो समझ लीजिए शनि खराब है, समझे। हर इंसान घर के अंदर सब्र से चलता तो है, सहन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद दूसरे हिस्सों से उसको प्रॉब्लम आ जाती है और उसके कारण कभी कभार उसके गले मुंह से भी कुछ ना कुछ निकलता है और पंगा जान को सारा उसके पड़ जाता है, ये भी शनि खराब की पोजिशन है बेटा। ऐसी अवस्था के अंदर जब भी आप सोने की चेन गले में डालें, केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाएं और चने की दाल का दान करें, ये 43 दिन चने की दाल जल प्रवाह करें, ये इन सब रोगों के अंदर तो ये उपाय जरूरी है, कॉमन है ही, लेकिन इसके साथ साथ शनिवार के शनिवार आपको शनि की वस्तुएं, उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से कोई भी चीज लेकर के ये शनिवार के शनिवार आपको शनि मंदिर के अंदर देना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। घर में लाभ की स्थिति हो, ज्ञान की स्थिति हो, संस्कार खराब हो रहे हो, बच्चे कहने में ना आ रहे हो, समझे, और किसी भी तरह के रोग पनप रहे हो, तो बेटा ये दोनों ही उपाय करने बेहद ज्यादा जरूरी होंगे। और इसके साथ में शनि को पूरा अच्छा रखने के लिए उसके दुश्मन ग्रहों को प्रबल करना पड़ेगा, कौन, सूर्य, चंद्र, मंगल, इनको प्रबल करने के लिए हर रोज बड़ के पेड़ पे दूध पानी चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक लगाना, एक ये हो गया, ये तो हो गए एक साइड, लेकिन इसका सिंपल सिंपल एक और मैं कारण बताता हूं बेटा। जो लोग अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ करते आए, बहुत ज्यादा दान पुण्य करे, हर वक्त परमात्मा का नाम भी लिया, दिन के अंदर एक एक घंटा भी परमात्मा को दिया, कहीं तो बहुत बहुत घंटे भी परमात्मा को देते हैं, ये सब कुछ करने के साथ में अगर जीवन के अंदर समस्याएं उतनी ही बढ़ती चली जाए, फाइनेंशियली दिखते आए, रिश्ते खराब हो जाए, काम काज नहीं बन पा रहा हो, रोज ही तकलीफ में अगर जीवन तुम्हारा जीते जा रहे हो, तो समझ लो आपको बृहस्पति की वजह से पूजा पाठ रास नहीं आ रहा है। अब ऐसी अवस्था के अंदर सिर्फ एक बार मेरे कहने पे करके देख लो, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए अपनी पूजा पाठ ये छोड़ के देखो, समझिए, परमात्मा को वैसे मन में रखो, समझिए, लेकिन ये पूजा पाठ जो रोज के कर्म कर रहे हो इसको आप 3 महीने के लिए रोक के देखो। अगर इस 3 महीने का जीवन आपका पहले के स्तर से अच्छा उठ जाए, आपको लगे कि हाँ मैं कुछ आराम से जिया हूं, तो बेटा इसे कंटिन्यू करो, फिर ज्यादा पूजा पाठ में नहीं जाना। लेकिन अगर पूजा पाठ ना करते हुए भी आपको रोज परेशानियां, तकलीफें और आए दिन मुसीबतें आती हैं और कहीं ना कहीं पैसा ही मरता है, दुनियादारी की तकलीफें भी आती हैं, तब आप पूजा पाठ करके देखो, देखो परमात्मा कैसे आपको उठाता है। क्योंकि बेटा जो मुसीबत होती है वो अपने संकेत स्वयं देती है कि
कौन सी, कई बार कहते ना प्लानिंग फेल हो रही है, तो बेटा प्लानिंग फेल होने के पीछे कोई और जिम्मेवार नहीं होता, अपनी ही सोच विचार अपना ही कर्म होता है। और ये भी तो प्लानिंग से चलाने वाली जिंदगी ही तो है, समझे। इसके अंदर आपका अगर एक कर्म आपको नहीं सुखी कर रहा तो आपको दूसरा कर्म अपना के देखना चाहिए। बहुत सारी दुनिया ऐसी है रोज पूजा पाठ करती है, रोज उनके परमात्मा के जब तक उनके घर में भोग ना लग जाए तब तक वो खाना नहीं ग्रहण करते, लेकिन वो तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन बहुत सारी दुनिया ऐसी भी है कि वो जैसे ही ये कर्म करती है उनको जिंदगी के अंदर इतनी तकलीफें मिलती है कि परमात्मा का तो भोग लगाने के लिए शायद उनके पास उनकी श्रद्धा कुछ बचा दे, लेकिन अपने को भोग लगाने के लिए उनके पास कोई टका नहीं बचता, समझे। इस तरह की भी मुसीबतें आती है। तो इसीलिए या तो जन्म कुंडली दिखाओ बेटा और उसमें से डिसीजन लो कि आप पूजा पाठ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, और या फिर अपने अभ्यास से अपनी जिंदगी के सीन को बैठ के आराम से बैठ के सोच के डिसीजन लो कि आपको पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, बहुत सारे लोग इन चीजों से डरते हैं, समझे, पूजा पाठ छोड़ने से भी डरते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा कि परमात्मा डंडा मार के पूजा पाठ नहीं करवाता, ये अपने दिल की श्रद्धा होती है। लेकिन अगर पिछले जन्मों के कर्म के लिहाज से परमात्मा ने ही आपको अपने आप से दूर रखा हुआ है, आपके पास से दूर रखा है, तो आप जब तक ये पूजा पाठ को नहीं छोड़ेंगे आप कामयाबी नहीं पाएंगे। और अगर आप परमात्मा के प्रिय हैं और उसने आपको सब कुछ देकर भेजा भाग में, तो आप जितनी पूजा पाठ करोगे आप उतने ही फलोगे, उल्टा इसके विपरीत चलते ही आपको जीवन के अंदर बहुत तकलीफें मिलेंगी, समझे। तो बेटा आज मैंने आपको बृहस्पति का एक नया रूप बताया है और एक ही बात समझाई है कि अगर बृहस्पति के उपाय करने तो साथ में शनि के जरूर करो, एक बार आजमा के देखो, जिंदगी बदलते देर नहीं लगती। तो गुरु ग्रह के बारे में जो चर्चा है वो जारी रहेगी, पर अभी हम रुक रहे हैं चंद क्षणों के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। जैसे आप सभी का गुरु मंत्र में स्वागत है, आज हम बात कर रहे हैं गुरु ग्रह के बारे में। गुरुदेव हमारे साथ एक लाइव वीडियो कॉलर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दिग्विजय जी जुड़े हुए हैं और जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी दिग्विजय सिंह जी, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि समय स्थान तीनों बताकर फिर सवाल पूछ लीजिए। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1994, टाइम ऑफ बर्थ है 11:15 सुबह के, प्लेस ऑफ बर्थ है रींगस राजस्थान। मैं पिछले 4 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, कुछ इंटरव्यूज भी दिए हैं लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी अच्छी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी और किस फील्ड में लगेगी। मुझे तुम्हारी कुंडली तो काफी अच्छी है बेटा, और ये जो योग है ये गृहस्थी के लिए भी काफी अच्छे हैं, कामकाज के लिए भी बहुत अच्छे हैं। वैसे तो ये योग बेटा अगर देखा जाए तो 24वें साल से ही अच्छा फल देना शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी तुम्हारे योग तो सरकारी नौकरी के भी अच्छे चल रहे हैं, नौकरी के भी अच्छे चल रहे हैं। अगर तुम प्राइवेट करना चाहते हो तो उसके लिए भी अच्छा, लेकिन तुम्हारी कुंडली का सीन ऐसा चल रहा है कि तुम्हारे जन्म स्थान के ऊपर रहते हुए तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। अगर प्राइवेट नौकरी करनी है तो घर से बहुत दूर अप्लाई करो, और नहीं तो अगर सरकारी नौकरी करनी है तो अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेशों के अंदर भी अगर उसी चीज के लिए तुम कोशिश करते हो तो तुम्हारे को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये योग तुम्हें घर से दूर लेकर के जाना चाहता है। और इसमें तुम्हारी क्योंकि डेडिकेशन तुम्हारे अंदर अच्छी है लेकिन इरिटेशन लेवल भी उतना ही अच्छा है, इस योग को तुम्हें पहले ठीक करना पड़ेगा। और इसके लिए करना है 43 दिन लगातार तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर के उसको जल प्रवाह करो, नीले और काले कपड़ों का प्रयोग नहीं करना, और दूध और पानी का तुमने दान कभी नहीं करना, और एक शमशान घाट में प्याऊ लगवा दो जो नौकरी के स्थान स्पेशली तौर पर कहलाता है, ठीक है। और 3 दिन लगातार गुड़ और जौ सांझ के समय वो मंदिर के अंदर दे दो। जब तक बेटा ये उपाय नहीं होते तब तक तुम्हारे लिए मुसीबत है, और जिस दिन ये उपाय हो गए और तुमने घर से दूर कहीं पर भी अप्लाई किया, चाहे वो प्राइवेट जॉब के लिए और चाहे सरकारी नौकरी के लिए, बेटा इसमें परमात्मा तुम्हारी बहुत ही मदद करने वाला है और तुम्हें कामयाबी अवश्य मिलेगी। और अगर इस वक्त में तुम विदेश जाकर के कोई काम करना चाहते हो तो बेटा उसके लिए तो समय बहुत ही औसम है तुम्हारा,
क्योंकि ये इसी समय में तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर इसके लिए ट्राई करती हो तो हमेशा के लिए विदेश के अंदर भी तुम सेट होने के लिए जा सकते हो। तो इन उपायों को करो, बहुत मामूली उपाय बेटा, तुम्हारी अच्छी जिंदगी तुम्हारे सामने खड़ी है, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, खुश रहना। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ी हुई है, हमारे साथ राधा जी हैं जो कि नई दिल्ली से है, गुरुदेव और वो सवाल पूछना चाहती हैं। जी राधा जी, क्या आप हमें सुन पा रही है? जी गुरुदेव साहब, जो कुछ भी सवाल पूछना चाहती हैं उससे पहले जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बता दीजिए और फिर सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार गुरु जी। खुश हो बेटा, सुख। मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। 16/12/12 है उसका बर्थ और टाइम है 10:23 रात के और बर्थ दिल्ली का है उसका। जी हाँ, 23:10 का ना? 10:23 10:23 हाँ जी, रात के और दिल्ली का जन्म है जी। अब सवाल भी पूछ लीजिए, क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि ये अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल रहेगा और इसकी स्टडी कैसी रहेगी? बेटा आज के एपिसोड में जो बात हो रही थी वो बृहस्पति की ही हो रही थी और इसका बृहस्पति रियलिटी में इसको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाला है। और ठीक है, थोड़ी बहुत ही अड़चन, थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे होने के बावजूद इसकी कुल मिलाकर के पढ़ाई बहुत ही अच्छी रहने वाली है, जिसके लिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शुरुआती दौर में मनमर्जी का मालिक, थोड़ी शुरुआतें, ये वो सब कुछ इसका चल सकता है, समझे? और इवन प्रोफेशनल लाइफ जहां से देखी जाती है या नौकरी जहां से देखी जाती है वो भी घर बहुत ही सुंदर इसका आबाद है। लेकिन मेन मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेन मेजर प्रॉब्लम है सूर्य बृहस्पति का मेल इस तरह का बैठा हुआ है जो इंसान को कामयाब करता है, लेकिन शनि और राहु का टकराव बृहस्पति को होने के कारण ये पढ़ाई लिखाई में, कॉमन सेंस में, अपने व्यवहार में, स्वभाव में इनके अंदर कमियां देता है। और जब भी मकान बने, रेनोवेशन हो, उसके बाद में कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल कुछ भी करवा सकता है घर के अंदर किसी के साथ, और बच्चे को मूडी बना सकता है। तो इसीलिए अगर तुम कम से कम 2 साल तक ये उपाय निभा दो कि हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुन बादाम लेकर सरसों का तेल लगा करके शनि मंदिर में देती रहो, अगर ये उपाय तुम लगातार करती रही, तुम्हारे बच्चे की कॉमन सेंस बहुत अच्छी है, तुम्हारा बच्चा प्लानिंग महान बनाने अव्वल रहेगा, जितनी चुस्ती चलाकी तेजी से ये कामों को अपने अंजाम देगा जिंदगी के अंदर उतना ही बढ़ेगा। लेकिन अगर इसको गुरुओं का नामदान लेकर के माला जपना सिखा दिया तो बेटा इसकी सारी काबिलियत धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि शनि के घर में बैठे हुए ये बृहस्पति, ये बेटा शनिदेव ही हुक्म नहीं देते कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा पूजा पाठ और धर्म में जाए। अगर ये गया तो प्रॉब्लम होगी, हाँ जो घर के संस्कार है उस दिन त्योहार के ऊपर जो पूजा पाठ होती है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ये कर सकता है। ठीक है, नीले काले रंग से परहेज रखना, और अगर इसको कोई शारीरिक कष्ट बने तो दक्षिण और पूर्व मुखी मकान के अंदर नहीं रहना। ठीक है, और अगर ये बिल्कुल स्वस्थ अगर इसे रखना चाहते हो, पश्चिम और उत्तर मुखी मकान इसके लिए बहुत ही फलदायी रहेगा। ठीक है, तो मात्र ये एक उपाय करना ही इसके जीवन को बना करके चले जाएगा, और किसी भी तरह की प्रोफेशनल पढ़ाई तुम इसे पढ़ा करके इसे काबिल बना सकती हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, खुश रहना। गुरुदेव, आज गुरु ग्रह के बारे में बात हो रही है और जब आप जवाब दे रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी, तो आपने कहा कि जो लोग कंजूस होते हैं उनका ये जो बृहस्पति ग्रह होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, और जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत उच्च पदों पे होते हैं, गुरु होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा मजबूत होता है। पर अगर किसी का ये जो ग्रह है, गुरु ग्रह, वो कमजोर है, क्या उसको स्ट्रांग बनाया जा सकता है और उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? ये तुमने आज सवाल पूछ के लाखों लोगों की मदद करी है, यह बात बिल्कुल सत्य है। एक गुरु ग्रह ही ऐसा ग्रह है कि जिसको अगर हम चाहें तो अपनी विल को स्ट्रांग बना करके, इसके उपायों को करके, इसको जांच के हम वाकई में अच्छा कर सकते हैं। यही रीजन है कि बेटा कोई किसी टाइम में गरीब होता है तो कोई किसी टाइम में अमीर होता है, समझे? जो लोग अपनी कोशिशों से अमीर बन जाते हैं और गरीबी की दलदल से निकल जाते हैं बेटा, वो बृहस्पति के उपाय से ही निकलते हैं, ये बात सत्य है। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें समझाया
कि बेटा एक तो तुमने ये ध्यान देना है कि अगर बहुत ज्यादा अध्यात्मवाद के अंदर जाने के बाद आप गरीब हो रहे हो, तकलीफें आ रही हैं, तो आपको इमीडिएटली ये छोड़ के थोड़े दिन के लिए दूसरी लाइफ में जीना चाहिए। और अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं और तब आप तकलीफें पा रहे हैं, तो आप करके स्टार्ट करके देखिए, समझिए। इसीलिए मैंने आपको ये दोनों सीन बताए हैं, एक ये थी। लेकिन इसके अंदर एक और बहुत बड़ी चीज है, और वो ये चीज है कि अगर आप सेल्फ एनालाइज के अंदर देखें कि क्या आपको हर वक्त बात याद रहती है, आप घर से जिन चीजों की जिम्मेवारी बनाकर के चले हैं, क्या वो हर चीज आपको रास्ते में याद आती है, करते हुए याद आती है, और एक चीज के साथ दूसरी चीज का क्या लिंक आप जोड़ लेते हो, या आप अपने किसी घर के मेंबर और यार दोस्त और अपने रिश्तेदार के लिए भी ये बात सोच सकते हो। जो लोग एक से दूसरी बात का लिंक नहीं जोड़ पाते, जिनको चार काम बताए जाए लेकिन वो घर आकर के ये जरूर बोलते हैं कि ओ भूल गया, ठीक है, जिनको आज जिम्मेवारी दी जाती है, मान लो घर से अगर सुबह के वक्त में मान लो बीवी की ही ड्यूटी लगाई जाए कि अच्छा शाम को ये दवाई भी मंगवा लियो, ये कपड़े भी मंगवा लियो, ये फलाना आएगा उसको वो भी कर लियो, अगर वो शाम को ये कहती है कि नहीं मैं तो भूल गई, मेरे को ये याद नहीं रहा, और ये अक्सर होता है, और इसी तरह से मर्दों के साथ उनको दूसरे काम पड़ते हैं और वो भी अक्सर भूलते हैं, तो समझ लीजिए कि यहां पर बृहस्पति बेहद खराब है। और ये खराब बृहस्पति अपने दोस्तों से बिछड़ा हुआ है, यानी कि सूर्य चंद्र की मदद नहीं मिल रही, मंगल की मदद नहीं मिल रही, समझिए, इसको इस तरह से समझना पड़ेगा। अगर हम ऐसी अवस्था के अंदर बृहस्पति के साथ चंद्र मंगल सूर्य के उपाय करके चले तो बेटा ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और ये प्रॉब्लम खत्म होने का मतलब क्या करा, अगर हर वक्त अपने कामों को इंसान अगर याद रखता है, समय के ऊपर पूरा करता है, इंस्टेंट बुद्धि आती है और उसका कोई हल ढूंढता है, लंबी प्लानिंग बना करके जो काम किए जाते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप अगर वो याद रखता है तो सक्सेस दूर है ही नहीं, सारा कुछ दिमाग से ही तो चलता है, सारा कुछ अपनी याददाश्त से ही चलता है, जिम्मेवारी के एहसास से चलता है, और जिम्मेवारी के एहसास जो कर्म पैदा करता है उसी से तो चलता है, समझे। और ये वाले हिस्से को कोई सक्सेस कर गया तो उसके पीछे रहने का कोई मतलब ही नहीं, यानी कि बृहस्पति अच्छा हो गया। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, मैंने बताया कि बृहस्पतिवार को बृहस्पति का उपाय या 43 दिन चने की दाल जल प्रवाह करना जिनको खराबी आई, और शनिवार के शनिवार शनि के दान। लेकिन अब इसके अलावा आपको चंद्र मंगल को भी अच्छा करना पड़ेगा, सूर्य को भी अच्छा करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे उत्तम क्या है, उसके लिए सबसे उत्तम है अगर हम तांबे की धातु लें, तांबे की धातु वो सूर्य की भी है मंगल की भी है, ठीक है, तो हमने सूर्य मंगल तांबे की धातु ले लिया, अब हमें चंद्र और बृहस्पति इसको भी लेना है, तो इसके लिए बृहस्पतिवार के दिन तांबे के लोटे के अंदर चावल और चने की दाल दोनों भरनी है, दोनों भर के उस लोटे के ऊपर भी लाल चंदन का लेप लगा दो ताकि अगर तांबे को हम अकेला कहें कि सूर्य ही है तो उसके बाद में मंगल भी उसके ऊपर चढ़ जाए, ठीक है, तो चंद्र बृहस्पति सूर्य और मंगल ये चारों ग्रह इकट्ठे हो गए, ये हो गए। अब ये चारों ही ग्रह ऐसे हैं जो धन भाव के अंदर बहुत ही अच्छा फायदा देते हैं, जन्म कुंडली के दूसरे घर में भी बहुत अच्छा फायदा देते हैं, चौथे घर में भी देते हैं अगर ये इकट्ठे हो, तो सबसे उत्तम तो ये है कि अगर इनको डेली की डेली हर बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार आप जल प्रवाह कर दो। अगर हर बृहस्पतिवार को आप जल प्रवाह नहीं कर सकते तो बेटा इनको मंदिर के अंदर दे दो हर बृहस्पतिवार, और कम से कम नियम बना के चलो कि जब ये उपाय आप शुरू करोगे तो 43 हफ्ते तो जरूर करोगे, करके देखिए। याददाश्त, जिम्मेवारी के एहसास, जिम्मेवारी को समझते हुए कर्म का बढ़ाना, और इन सब से अपनी जिंदगी के अंदर चाहे लिखाई पढ़ाई का लाभ पाना, चाहे पैसे का, चाहे रिश्तों का, और चाहे घर के माहौल का अच्छेपन का, ये सब कुछ ये इतना सा उपाय संभव कर सकता है, समझिए। और ये भूलने की जो भुलक्कड़पन की बीमारी, इसको ये दूर भगा सकता है, तो करके देखिएगा, जरूर दाता अच्छे फल देगा। तो इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी गुरुदेव से, पर इस वक्त हमारे साथ निमिषा जुड़ी हुई है। निमिषा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही? हाँ जी मैम, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। जी निमिषा, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि समय स्थान बताकर फिर सवाल पूछ लीजिए। जी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मैम, ने मेरा एक बेटा है 3 साल का है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 2016,
सुबह 7:41 पे वो बॉर्न हुआ था। वो अभी है ना बहुत बीमार है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रे डिजीज हो गई है। जब उसका साल एक साल पूरा हुआ था इलाज। हाँ सुनो एक मिनट, तुम्हारी जब शादी हुई तुम कितने साल की थी? तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की दृष्टि राहु के ऊपर है और इसके अंदर साफ तौर पे ये कहा गया कि 28 साल की उम्र से पहले अगर तुम्हारी शादी होती है पहले, उसके बाद जो बच्चा होगा उसको शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट कुछ भी हो सकता है और उसको तकलीफें बहुत बनी रहेंगी। ये जब तुम यहां से अपनी अगर जन्म कुंडली बनवाती हो बेटा उसके अंदर साफ ये लिखा आएगा और यही सूर्य ग्रहण यहां पर बैठे हुए आगे चल के तेरे अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और तुम स्वयं अगर कुछ करना चाहती हो तो उसके लिए भी कोई ना कोई तकलीफें और अटपटे हालात बनाएगा। जबकि तुम्हारी बाकी की कुंडली गृहस्थी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, इधर उधर की स्पोर्ट के हिसाब से हर तरह से उत्तम है, लेकिन ये बढ़ती उम्र के साथ में तुम्हारा स्वभाव भी खराब कर देगा और स्वास्थ्य भी। इसीलिए ये तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सेहत और तुम्हारे पुत्र, इसके एक ही उपाय है जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले 43 सिक्के तांबे के लेकर सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके उन्हें सुबह सवेरे या तो जलप्रवाह करके आओ या किसी जंगल में गिरा के आओ, ठीक है। दूसरा उपाय है बेटा काली भोंडी गाय, यानी कि ऐसी गाय जिसका सींग या तो ना हो या एक हो और एक ना हो या बहुत टेढ़े मेढ़े और अटपटे सींग हो लेकिन वो काले रंग की हो, इसकी सेवा करना तुम्हारे लिए अमृत में ही है सारी जिंदगी के लिए। ये अगर तुम करती रही तो तुम जिंदगी में वैसे बहुत अच्छे कुछ अचीव कर लोगी। तीसरा, तुम्हें हर 3 महीने में एक चमड़े की जूती लेकर के बेटा वो किसी गरीब को बाहरी बार दान देनी चाहिए और साल में 2 बार तुम्हें 3 किलो कच्चे कोयले जल प्रवाह करने चाहिए। मात्र इतने से उपाय करके देखो तुम्हारी तुम भी स्वस्थ, तुम्हारा बच्चा भी स्वस्थ और तुम्हारे रास्ते में आने वाली जितनी विघ्न बाधाएं हैं वो सब इससे हट जाएंगी। समझे? समय समय के ऊपर जौ का दान या जल प्रवाह या भिगो करके पक्षियों को डालना, कुछ भी तुम कर सकती हो और रेगुलर भी कर सकती हो। अगर ये करोगी तो जिंदगी के अंदर बेकार की आने वाले धन के खर्चे, बेकार की आने वाली मुसीबतें, ये भी सब तुम्हारे पास से दूर रहेगी और जिंदगी के अंदर सुख और आनंद से जीवन व्यतीत करो, खुश रहना। गुरुदेव, समय की तो हमेशा ही कमी होती है और आपसे आज तमाम सवालों के हमने जवाब जाने, लेकिन जाते जाते हमारे दर्शकों को आज का खास गुरु मंत्र देते जाइए गुरु ग्रह से संबंधित। बेटा अब गुरु ग्रह का गुरु मंत्र तो गुरु जैसा ही होगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि गले में ताबीज पहनते हैं, माला पहनते हैं, वो तुलसी की होती है, रुद्राक्ष की होती है, स्फटिक की होती है और भी बहुत सारी, कोई कमल गट्टे की होती है, कोई किसी चीज गट्टे की होती है, कोई किसी चीज, बहुत तरह की मालाएं हैं। ये माला क्या सबको सूट करती है? नहीं। अगर जन्म कुंडली के अंदर किसी भी तरह से बुध और बृहस्पति का मेल हो रहा हो और खासतौर पर 12वें घर में हो जाए, फिर तो चाहे तबीज हो जो आप किसी सिद्ध पुरुष से लेते हैं, किसी ज्ञानवान से लेते हैं, चाहे वो ताबीज हो और चाहे ये माला हो, वो इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। लेकिन इस चीज को इंसान स्वयं नहीं समझ सकता क्योंकि जिसके साथ में बीत रही है उसकी परमात्मा बुद्धि और मानसिकता को वैसा ही बना देता है कि उसको इस चीज का आभास नहीं हो पाता। तो इसीलिए अगर आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम और आपको लगता है कि ये फलाने ने ये अपने गले में ताबीज पहने हैं या मालाएं पहनी हैं, ठीक है, अब ऐसी अवस्था के अंदर आप उसकी जिंदगी को एनालाइज करके देखिए कि ये जब से उसने मालाएं पहनी है, तावीज पहनी है, उसके बाद इसकी तकलीफें कहीं बढ़ी तो नहीं? क्या वो जिंदगी में स्मूथ रहा, उसको अच्छापन मिला? समझे? अगर उसको मिला है तो बहुत बढ़िया, फिर तो उसको कहना कि रोज केसर का तिलक भी लगाए और कबूतरों और पक्षियों को भी कुछ ना कुछ खिलाता रहे और दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होगी। लेकिन अगर किसी ने तावीज या माला पहनने के बाद आप एनालाइज करके देखिए सामने वाले के बारे में जिसने ये पहन रखा है कि उसको जीवन के अंदर तकलीफें बढ़ी हैं, उसका कामकाज के अंदर खराबियां आ गई हैं, उसकी गृहस्थी की जीवन में खराब आया है या उसके बाद में उसको बीमारी आ रही है और छोटी छोटी तकलीफें उसको बहुत ज्यादा सताने लग गई है, तो आप समझ लीजिए ये ताबीज और माला उसके जी का जंजाल बन गया है और मुसीबतें बहुत बड़ी होने वाली है। और ज्यादा समय पड़ने के ऊपर ये ऐसी अवस्था पर ले जाके खड़े कर देते हैं जहां पर कि इसका इलाज भी ना रहे। तो इसीलिए ऐसे इंसान को फौरन बेटा अपने
गले से ये ताबीज और मालाओं को उतार देना चाहिए और इसके बदले में क्या करना चाहिए, 11 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा करके जल प्रवाह कर दे ताकि इससे जो बुरा असर अपने ऊपर आया वो भी टल जाए। एक तो ये उपाय। दूसरी बात, आम हमारे हिंदुस्तान में होता है, शायद दूसरी कंट्रियों में भी होता होगा, कि हम लोग जाते हैं हवन की धुनी होती है, धुने की धुनी होती है, किसी गुरु जी के यहां धुना चलता रहता है, हम वहां से भभूति ले आते हैं, ठीक है, आमतौर पर हमें यह भभूति मिलती है। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर अचानक ये भभूति लाने के बाद आपके हालात अटपटे हुए हैं, पैसे के मामले में, काम के मामले में, घर की सुख शांति के मामले में, तो बेटा इस बात से समझ जाइए कि ये जो भभूति है वो आपको रास नहीं आई, समझे, ऐसी अवस्था के अंदर वो भभूति लेकर के अपने हाथ पे फौरन जाके बहुत श्रद्धा के साथ उसे जल प्रवाह कर दो कि परमात्मा आप जहां से आए हो वहीं जाओ, समझे, ये करना बहुत जरूरी है। कई लोगों को बहुत शौक होता है, जहां जाते हैं वहीं से किसी परमात्मा की और बाबा की तस्वीर लेते हैं, जहां भी जाते हैं वहां से परमात्मा की तस्वीर और बाबा की तस्वीर उठा लाते हैं और वहां पर जो सामान मिल रहे होते हैं वो भी तरह तरह के ले आते हैं। लेकिन अब सोच के देखिए कि जब जब इस तरह के सामान आपके घर पे आए हैं उसके बाद आप फले हो या नहीं फले हो, अगर आप फले हो रखो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके दुख अगर दूर हुए बहुत बढ़िया, लेकिन अगर लाने के बाद दुख बड़े हैं फौरन उनको उठा करके जाके जल प्रवाह करिए, किसी मंदिर में दे दीजिए, यह करना बहुत जरूरी है। एक बार मेरे कहने पे करके देखिए, बेटा मैंने ना तो ये रखवाने का कोई मेरा काम है और ना हटवाने का, क्योंकि इससे मुझे कोई लाभ नहीं, लेकिन आपको समझा करके, आपको बता करके, आपको रास्ता दिखा करके आपका जीवन अच्छा करने का मेरा काम है, इसीलिए मेरे कहने को एक बार मान के बेटा अजमा के देखो, दोबारा कौन सा ये लाई नहीं जा सकते, ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो करके देखिए, गुरु मंत्र में आज इतना ही कि ये गुरु को ही अच्छा और बुरा चेक करने के लिए होता है, गुरु अच्छा हो तो ये चीजें आए मालोमाल सब सुख, लेकिन गुरु बुरा हो और ये चीजें अपने घर में आए तो बेटा इंसान को मुसीबतें ही मुसीबतें और इतनी मुसीबतें कि जिसके पार पाने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता। तो इसीलिए एक बार इसको आजमा के देखिए, जिंदगी में जरूर सुख चैन महसूस करो। गुरुदेव, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो आज के एपिसोड में हमने गुरुदेव से जाना कि गुरु ग्रह का आपके जीवन से क्या संबंध होता है, किस तरीके से वो आपकी जिंदगी में प्रभाव डालता है। तो मैं आशा करती हूँ कि गुरुदेव ने आज के जो कार्यक्रम में आपको उपाय बताए हैं वो आपने कई नोट कर लिए होंगे, बस आप वो उपाय अपनी जिंदगी में करें, आप खुद देखेंगे आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशी जरूर मिलेगी। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है जाने का, लेकिन कल एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। We'll be right back.